हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी टेक ज्ञान। मैं हूं आपका फ्रेंड अजय और आज हम रिव्यू करेंगे एक बॉस की ड्रिल मशीन को। ये इम्पैक्ट ड्रिल मशीन है दोस्तों, इसकी रिव्यू करेंगे और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करती है। चलिए आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। ये मैंने मेन लोकल मार्केट से परचेज की है, तो इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आप ये दिखाता हूँ कि आपको ये कैसी दिखती है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बॉस की है, ओरिजिनल है ये 500 वॉट। मैं आपको दिखाता हूँ ये 500 वॉट, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है और इसकी जो ओरिजिनल सील है, ये इसकी ओरिजिनल सील है। अगर ये ब्रोकन हो तो आप इसको एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन में ये मई 2016 की पैक्ड है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ ये पीछे से बॉक्स इसका ये दिखता है। और यहाँ पर इसकी जो प्राइस कॉस्ट ये है 3,3640 रुपये की। बेसिकली अब 2,000 रुपये की मिल जाती है निचली मार्केट में। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये दिखती है। दोस्तों साथ निकली है एक मैनुअल बुक, इसमें दिखाया है कि कैसे इसको यूज़ करना है। इसमें सारे इंट्रोडक्शन इसके लिखे हुए हैं, कैसे इसके यूज़ करना है और सारी यूजफुल डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद एक ड्रिल की है, इसे कि इस ड्रिल चेक को टाइट करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए एक इम्पैक्ट ड्रिल है, ये इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये स्विच है, इसका ड्रिल चेक है, ठीक है। इसमें ये वाला स्विच जो है, यहाँ पर आप देखते हैं एक हैमर टाइप का बना हुआ है। ये हैमर का काम करेगी बेसिकली। अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे तो ये अंदर बाहर की तरफ पुश होगी हल्की सी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल ड्रिलिंग पे कर देंगे तो ये ड्रिल की तरह नॉर्मल ईजिली वॉल पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये जो स्विच आप देख रहे हैं, इसमें तीन तरीके से काम करता है। ये एक तो यहाँ पर आप ये देखिए, अभी ये एक तरफ है, इसको आप बीच में अगर कर देंगे तो ये चाइल्ड लॉक की तरह काम करेगा। कोई भी बच्चा जो है स्विच को दबा नहीं पाएगा, ठीक है। आप इसको लेफ्ट राइट में भी यूज़ करते हैं, इधर करेंगे तो ये राइट चलेगी। ये देखिए स्विच अब वर्क करने लग गया, और उधर कर देंगे तो ये लेफ्ट चलने लग जाएगी। और इसको अगर बीच में करेंगे तो चाइल्ड लॉक की तरह काम करती है। ये चाइल्ड लॉक ये काफ़ी हैवी मशीन होती है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है बॉस की तरफ से। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका मेड इन इंडिया, ये बेंगलोर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बॉस की तरफ से, काफ़ी अच्छी है। और आइए दिखाता हूँ कि ये चलने में कैसी आपको दिखती है। दोस्तों मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया है। अब ये देखिए अभी स्विच नहीं दब रहा है, नहीं घूम रही है। और अब मैं इसके स्विच को लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड, ये देखिए अब क्लॉक वाइज घूम रही है। अब इसको इधर कर देंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज घूमने लग जाएगी। देखिए मैं आपको ठीक से दिखा पाऊंगा। ये देखिए अभी एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है। अब इसको स्विच को अंदर करते हैं, बीच में करेंगे स्विच को, चाइल्ड लॉक की तरह काम करेंगे, स्विच अब नहीं देगा, ठीक है। और इसको अगर हैमर पर करके चलाएंगे, हैमर की तरह आवाज़ करिए, इसमें आप कंक्रीट वगैरह में सुराख कर सकते हैं इजीली। बट यहाँ पर ही आपको स्विच जो है इधर से ला के इधर करना होगा यहाँ पर। और अगर आपको ड्रिलिंग पर करनी है तो आप इसको यहाँ पर कर दीजिए तो ये ड्रिलिंग पर काम करेगा, आवाज़ नहीं करेगी। तो ये था एक बेसिक सा रिव्यू। अगर आपको इस मशीन के बारे में और कोई जानकारी नहीं चाहिए और आपको पता करना है कहाँ मिलेगी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।